अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यूटर्न आया है। राम की भक्ति करने वाले सत्ता में मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, मोदी सरकार में देश में विकास होगा, ऐसा इंद्रेश कुमार का कहना है। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंद्रेश कुमार की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार में देश में विकास हुआ है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। भोपाल में प्रियंक कानूनगो का बड़ा बयान आया है। मदरसों में बेसिक सुविधाओं की कमी है, उन्होंने कहा मदरसों में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, मदरसों से बच्चों को निकाले सरकार, मदरसों से बच्चों को निकाल कर स्कूल सरकार भेजे, ऐसा प्रियंक कानूनगो का कहना है। अवैध मदरसों की जानकारी भी ली गई है, ये भी उनका कहना है। इससे पहले आपको याद होगा ये वही प्रियंक कानूनगो हैं जिन्होंने ये बताया था कि मदरसों में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कैसे मदरसों में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए समझने के लिए धर्म को उनको बरगलाया जा रहा है। और अब एक और मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। शिक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए, बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। आज हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ कंडक्ट कराया है। पार्ले जी बनाने वाली एक मंडीदीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो अलग अलग प्रकार का डेटा था उसके कन्वर्जेंस के लिए जरूरी निर्देश हमने सभी विभागों को दिए। तो वही राधा रानी पर हाल ही में विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आए पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार विरोध झेल रहे हैं। अब कानपुर के वकील मनोज कुमार दीक्षित ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वकील मनोज दीक्षित ने कहा है कि उनका बयान हिंदुओं की आस्था का अपमान है। कथावाचक पर धारा 153A, 295A, 298 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है जिस पर कानपुर कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। उनके कहने का तात्पर्य क्या है, समाज में क्या जो है संदेश जा रहा है, करोड़ों भक्तों के हृदय को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, हमारा मन व्यथित हुआ। मैं राधा रानी का परम भक्त हूं, मैंने इनके विरुद्ध कल न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 153A, 295A, 298 IPC के तहत दाखिल किया और न्यायालय से मांग की इनको तलब करके इनको दंडित किया जाए। भोपाल में 16 जून को बीजेपी दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम होगा। MP कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें दूर संचार मंत्रालय दिया गया है, ये वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रालय दिया गया है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा आप तस्वीर देख रहे हैं महिला कोटे से जो है सावित्री को मंत्री बनाया गया है, वीरेंद्र कुमार को मंत्री बनाए गए हैं। किन का सम्मान होगा वो आपको दिखा रहे हैं। दुर्गादास उइके को भी सम्मानित किया जाएगा। सावित्री ठाकुर और एल मुरुगन दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा।
उज्जैन में सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। रुपए गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा मारा गया और बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर जो है सट्टा चल रहा था, जिसके बाद विदेशी करेंसी भी है इसमें। विदेशी करेंसी इसके साथ साथ इंडियन रुपी भी मौजूद है। कई करोड़ रुपए मिले हैं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग प्लीज। उधर इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता सटोरिये का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कह रहे हैं, साथ ही नाम सामने लाने की मांग की गई है। तो उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और कई अधिकारी और करीबी लोगों के पास से काली कमाई जब्त की गई थी। जो पीयूष चोपड़ा है, ये बिल्डर भी है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है। वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है। ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जिनके गहरे संबंध इस सटोरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके ओएसडी के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन ओएसडी के घर मिला था, पहले ये उस पे जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पे जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पे जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी। तो शराब घोटाला में अनवर ढेबर को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल दी है। रायपुर सेंट्रल जेल में अनवर ढेबर बंद है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को जमानत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा का मामला, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर संज्ञान लिया गया है। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश दिया गया है और प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जले वाहनों के बीमा भुगतान के लिए समन्वय बीमा लोकपाल की भी सहायता ली जाए। घायल लोगों को निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए गए हैं। आग में जले दस्तावेजों के पुनः निर्मित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति बनाई, जिसके संयोजन मंत्री दयाल दास बघेल को बनाया गया है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित 5 सदस्य हैं। मंत्री टंकराम शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे, रंजना साहू को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसने बलौदाबाजार का दौरा भी किया था। और इधर बलौदाबाजार की घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, दोनों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजिमी है, मैं गृह मंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं। और ऐसे नहीं, पूरे ही जिलों में क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाएगा। सभी पहलुओं पर जांच करना है,
क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं। समाज के लोग प्रतिदिन, प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है और समाज का सब कुछ कहना है, असामाजिक लोगों ने किया है। अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग का जांच अभियान जारी है। मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच चल रही है। अभियान के लिए संयुक्त टीम बनी है। 6 मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया है। अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप भी है। संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। सीएमएचओ के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। और अब बात करेंगे शहडोल की, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से एम्बुलेंस में नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।